अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू PNY ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी मेंटर तबीबा हसन और आज के लेक्चर में मैं आपको कलर मोड्स के बारे में बताऊंगी कि कलर मोड्स क्या हैं, कि प्रिंट और डिजिटल मीडिया में हम कौन से कलर मोड यूज कर सकते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको जैसे बताया था कि प्रिंट मीडिया के लिए हम यूज करते हैं CMYK के कलर मोड और डिजिटल मीडिया के लिए हम यूज करते हैं RGB कलर मोड। CMY कलर मोड स्टैंड फॉर सियान, मजेंटा स्टैंड फॉर सियान, M स्टैंड फॉर मजेंटा, Y स्टैंड फॉर येलो एंड K स्टैंड फॉर ब्लैक, वेयर एज RGB कलर मोड स्टैंड फॉर R स्टैंड फॉर रेड, G स्टैंड फॉर ग्रीन एंड B स्टैंड फॉर ब्लू। अच्छा, इधर आपको एक बेसिक चीज नजर आ रही होगी कि हमने ब्लैक कलर के लिए K का वर्ड यूज किया, हमने ब्लू B यूज नहीं किया। वो इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि RGB कलर मोड में हमने ब्लू के लिए B का वर्ड यूज किया। अगर हम यहाँ पर भी ब्लैक के लिए B का वर्ड यूज किया होता तो ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर देते हैं। दूसरी वजह ये है कि जो K है वो हमारे पास की कलर है, यानी कि ब्लैक जो है वो हमारे पास की कलर है। हमारे पास बेसिकली दो की कलर होते हैं, ब्लैक एंड वाइट। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपको PPI के बारे में बताया था कि PPI क्या है। PPI स्टैंड्स फॉर पिक्सल्स पर इंच। हमारे रास्टर इफेक्ट्स का ताल्लुक पिक्सल डेंसिटी से होता है, यानी कि एक स्क्वायर इंच में कितने पिक्सल्स मौजूद होते हैं। अगर आप प्रिंट मीडिया में काम करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम रेजोल्यूशन होनी चाहिए 300 PPI। इससे लेस हुई तो आपकी क्या कहते हैं पिक्चर की जो इफेक्ट है वो रेजोल्यूशन अफेक्ट होगी और विजुअल अच्छा नहीं आएगा। और इसी तरह अगर आप RGB मोड में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास रेजोल्यूशन होनी चाहिए 72 PPI, इससे ज़्यादा लेस नहीं होनी चाहिए वरना इससे आपका डॉक्यूमेंट अफेक्ट होगा। ये आपके पास अब स्टैंडर्ड्स आ गए हैं। अगर आप लोगों ने प्रिंट मीडिया में काम करना है तो CMYK और 300 PPI में काम करना होगा। इसी तरह अगर आपने RGB कलर मोड में काम करना है, सॉरी डिजिटल मीडिया में काम करना है तो RGB कलर मोड होगा और आपके पास जो रास्टर इफेक्ट होगा वो 72 PPI होगा। हमारे पास दो मीडियम्स हैं और इनकी ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो अब आपके सामने आ गई हैं। अब आपको ये पता है कि अगर आपने फेसबुक की कैंपेनिंग डिज़ाइन करनी है तो वो होगी डिजिटल का पार्ट, और इसी तरह अगर आपने कोई एप्लीकेशन या आपने कोई गेम या कोई एनिमेशन से रिलेटेड काम करना है तो वो भी डिजिटल का पार्ट होगा। लेकिन अगर आप डिज़ाइन होल्डिंग, अगर आप फ्लायर, फ्लेक्स या विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड वगैरह पर काम कर रहे हैं तो ये सारा आएगा प्रिंट मीडिया में। ये आपने खुद चूज करना है कि ये स्टैंडर्ड्स जो आप लोगों को बताए गए हैं कि ये किस में फिट होते हैं। अगर आपने प्रिंट मीडिया में काम करना है या डिजिटल मीडिया में काम करना है, ये आपने खुद डिसाइड करना है। आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।